अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राणा दानुदसर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची का ये हेड ऑफिस आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नक्शे के मुताबिक मिडवे कमर्शियल ए और बी ये दोनों साइड्स हैं जिसको आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। और इसमें प्रिसिंक्ट 4 के इर्द गिर्द ये जो कमर्शियल बेल्ट आपको नज़र आ रही है, ये सारी लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स हैं जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स बहरिया टाउन ने लॉन्च किए थे। और एक अंदाजे के मुताबिक इन प्लॉट्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत रही है। 266 गज़ के कमर्शियल प्लॉट थे और ग्राउंड प्लस 10 स्टोरी से लेकर ग्राउंड प्लस 12 स्टोरी तक यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हैं। स्टिल कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन। इसके बाद जो प्रिसिंक्ट 6 है, इसके लूप रोड पे ये वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं तो ये भी लिबर्टी कमर्शियल के नाम से ये कमर्शियल भी दिया गया। अभी अपकमिंग कमर्शियल डील की हम बात करते हैं जहाँ पर बैरिया हाइट्स दिया गया है। इसको मज़ीद यहाँ पर अगर आप चलते हैं, इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये प्रिसिंक 8 है। प्रिसिंक 8 पर ये वाली जो कमर्शियल बेल्ट दी गई है रेड कलर की, आप देख रहे हैं, ये भी फ्यूचर में बहरिया ने देना था। इस वक्त मार्केट की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि बहरिया टाउन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वाला कमर्शियल बेल्ट भी लॉन्च करने जा रहा है। इस कमर्शियल बेल्ट को अगर आप लोग देखते हैं तो ये काफ़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि एक तरफ बहरिया हाइट्स है, प्रिसिंक 10 के विलाज हैं, इसके साथ यहाँ पर पैरागॉन और डेस्कॉन के जो दिए गए हैं वो वाले टॉवर्स भी हैं, ग्रैंड मस्जिद भी दी गई है और फिर मेन जिना एवेन्यू की तरफ अप्रोच एक्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ से नहायत करीब होंगी। तो लिहाजा इन कमर्शियल प्लॉट्स की अगर ये डील आती है तो इंशाल्लाह ये अपनी अहमियत की हामिल होगी। काफ़ी मुनफरद प्लॉट होंगे, ये 133 गज़ के होते हैं या 266 गज़ के, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डील कि बहरिया टाउन कब देता है इसके ऊपर। कम अज़ कम 6, 8 या 10 या 12 स्टोरी तक कंस्ट्रक्शन की परमिशन होगी। द सेम स्ट्रक्चर के नीचे ऑफिस शोरूम बनेंगे और ऊपर अपार्टमेंट बनेंगे। थैंक यू सो मच।